लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो चलो उठाते हैं इस बात का फायदा। सीधे पाइप में लिक्विड को भरकर इंजीनियर्स ने बनाया एक छोटा सा जुगाड़, और फिर उन्होंने सोचा अगर इस पाइप को मोड़ दें तो क्या होगा। पाइप को मोड़ने पर भी ताकत के ट्रांसमिशन में कोई फर्क नहीं आया। अगर एक साइड के पिस्टन को 1 इंच नीचे किया गया तो दूसरी साइड का पिस्टन भी 1 इंच ऊपर चला गया। यहां से यह साबित हो गया कि लिक्विड की सहायता से पावर को ट्रांसमिट करने पर जरा भी ताकत बेकार नहीं जाती, और यही तो हमें चाहिए था। पाइप को एक जगह के बजाय 4 जगह से मोड़ने पर मास्टर पिस्टन गया 4 इंच नीचे और दूसरी साइड के चारों पिस्टन गए 1-1 इंच ऊपर। लेकिन अगर पिस्टन का साइज छोटा बड़ा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा पिस्टन 4 इंच नीचे जाकर धकेलेगा बड़े पिस्टन को 1 इंच ऊपर, लेकिन 4 गुना ताकत के साथ। चलो बनाते हैं इसे गाड़ियों के ब्रेक। एक मास्टर सिलेंडर लो और जितने चाहे छोटे सिलेंडर उसे कनेक्ट कर लो। अब जब आप दबाओगे ब्रेक को तो सभी छोटे सिलेंडर्स को मिलेगी बराबर ताकत। ये हुआ ना एक बढ़िया जुगाड़, इसे कहेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक। अच्छा ये बताओ, क्या सारे फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो सकते?